और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई ने गुरुवार को नीरज रजत मेवानी और रिया के भाई से फिर से पूछताछ की। पहली बार सीबीआई ने सुशांत के गार्ड से भी सवाल जवाब किए और उधर ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ाया है। ईडी ने रिया के पिता से लंबी पूछताछ की। सुशांत की मौत में सीबीआई की जांच का सातवां दिन और रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर उसकी पड़ोसी का हंगामा। सुशांत को यहाँ रख के उसको ब्लैक मैजिक किया था, यहाँ पे रखा था। तीन महीना यहाँ सब। ये महिला यूं ही हंगामा करती रही, बताती रही कि वो सुशांत की फैन है और रिया चक्रवर्ती के परिवार ने सुशांत को मार दिया है। और है ना, संदीप जी को एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वो हो रहा है, तब मैं आई हूँ इधर। संदीप दोनों को पकड़ो, सब पता चल जाएगा। वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने दिनों तक होता था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। इधर सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ में फिर पूछताछ की। यहीं पर सीबीआई ने रिया के भाई शोविक से पूछताछ की। नीरज और रजत मेवानी से भी सीबीआई ने फिर से सवाल जवाब किए। पहली बार सुशांत के घर के वॉचमैन से भी सीबीआई ने सवाल दागे। गार्ड को सीबीआई ने पूरे एक तरह से ग्रिल किया, पता करने की ये कोशिश की कि 13 जून की रात को यहाँ कोई आया था, 14 दिन की सुबह कोई गया था, उसे पहली बार कब पता चला। तो ये सारी पूछताछ इस गार्ड से आज पहली बार हुई थी। सीबीआई इधर सुशांत के मौत की मिस्ट्री की परतें उधेड़ने में लगी है, उधर ईडी भी अपनी कार्रवाई में लगी थी। ईडी रिया चक्रवर्ती के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रिया चक्रवर्ती के पिता कुछ कागजात लेने अपने घर पहुंचे। ये तस्वीरें तभी की। कुछ जानकारी उन्हें देनी थी सीबीआई के अधिकारियों को, इसकी वजह से वो यहाँ आए थे घर पे कुछ कागजात लेने के लिए, कुछ अपने कुछ जरूरी सामान लेने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन उसके बाद वो, क्योंकि जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर घुसी, मीडिया के लोग भी घुस गए, एकदम एक कह लीजिए इतना हंगामा मच गया कि वो गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। रिया के पिता पुलिस स्टेशन गए, वहाँ उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ बदतमीजी की गई। रिया के परिवार ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, इसीलिए एक पुलिसकर्मी रिया के घर भेजा गया। पिताजी उनको एक पिताजी के लिए आया था, मुझे मैडम उनके चक्रवर्ती मैडम के पिताजी है शायद। पिताजी आ रहे हैं? यस। हम क्यों आ रहे हैं? अभी वो कहाँ पे बैंक का कुछ ईडी ऑफिस में कुछ इंक्वायरी, इसके लिए मैं आया। इधर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती एक्सिस बैंक के उस ब्रांच में पहुंचे जहां उनका खाता है और जहां उनके लॉकर हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती इस एक्सिस बैंक की ब्रांच में आए हैं और देखिए यहां शटर लगा दिए गए हैं, मुंबई पुलिस के कर्मी अंदर हैं और बताया जा रहा है कि लॉकर की अच्छी तरीके से जांच करी जाएगी, उसके अंदर जो फाइलें रखी गई हैं उसकी अच्छी तरीके से जांच करी जाएगी और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने मौजूद रहेंगे। बैंक से निकलकर रिया के पिता ईडी दफ्तर पहुंचे जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। अब जाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके लॉकर की छानबीन कर रही है, जहां पर ये जानने की कोशिश होगी कि लॉकर में जो कुछ भी सामान है उसे कैसे खरीदा गया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और क्या इसमें सुशांत के पैसे का भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सीबीआई और ईडी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उम्मीद कीजिए कि जल्द ही इस मामले में सच सामने आएगा। मुंबई से दिव्या, मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।